जय पुष्कराज की, जय श्री नारायण साहब। सभी धर्मावलंबियों ने, माता बहना ने, भाया ने, संता ने, बड़ा बुजुर्गा ने, सबने पुष्कर से पंडित रवि शर्मा की घनी घनी राम राम और घनी घनी जय पुष्कराज की। आज पुष्कराज की कथा सुना रही हूँ आपने। अब आज का दिन पुष्कर में कार्तिक को जो 5 दिन को मेड़ो भरया करे है, वो मेड़ो सतयुग से भर रही है। ये मेला की कई कथा है, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं हो तो पंडित जी आप आज राजस्थानी में थाने सारी की सारी कथा सुना रही है। और मेड़ो क्यों भरया करे है, ब्रह्मा जी को पूरा ब्रह्मांड में, पूरा विश्व में वो पुष्कराज एक ही तीर्थ है। वो तीर्थ क्यों हुई हो और क्यों पुष्कराज में ही केवल ब्रह्मा जी को मंदिर है, इसकी सारी की सारी कथा मैं आपने सुना हूँ। सब ध्यान लगा करके सुन जो, और वीडियो प्यारो लगे तो थे लाइक जरूर ठोक दी जो। पर क्यों कई भाई लोग सोचे लाइक करे कहीं हो, पर लाइक करे से कहीं हो, यूट्यूब इन्हें सजेस्टेड वीडियो में भेजा करें तो और भी लोग ही पुण्य को लाभ उठा सकें। तो मैं अपने कथा शुरू करूँ पुष्कराज की। जान विष्णु भगवान को तीर्थ है गया, शिव जी को है काशी बनारस वाराणसी जिन्हें आपा बोला, यान ब्रह्मा जी के मन में एक मारो भी एक तीर्थ होना चाहे। ये मृत्यु लोक में सब लोग जटा आवेर मारी सेवा पूजा करे, मारी आराधना करे, यान को मैं मन में एक विचार आयो। और बेई दिना में एक दैत्य हो, जी दैत्य को ब्रह्मा जी महाराज वध करियो, और वध करवा के पश्चात अंतरिक्ष में से एक कमल को फूल फेंक्या। वो कमल को फूल ये पुष्कराज की धरा पर आकर के पड़ो। ये धरा पर आकर क्यों पड़ो, इसकी भी एक कथा है। क्योंकि पुष्कराज की कोई प्रतिष्ठा नहीं करोड़ी है, पुष्कराज तो स्वयं प्रकट तीर्थ है। वहाँ का भारतवर्ष में 8 भू वैकुंठ है, जिनमें से 4 दक्षिण भारत में है और 4 अपना उत्तर भारत में। मैं पहले आपने दक्षिण भारत का जो 4 भू वैकुंठ है यहाँ का नाम बताऊँ, आप ध्यान लगा कर सुन जो। श्रीरंगम, श्रीमुष्णम, वेंकटाद्री और तोताद्री, ये 4 तो भू वैकुंठ है दक्षिण भारत का। और जो 4 आपने उत्तर भारत का है, ब्याह में प्रथम है नेपाल में जो गंडकी नदी है जटू जो सालग्राम जी निकला नहीं, वो है तीर्थ, वो स्वयं प्रकट तीर्थ है, जटे सालग्राम रूप में भगवान विष्णु विराज है। दूसरा है बद्री का आश्रम में बद्रीनाथ, जट आप जाया करो उत्तराखंड का जो 4 धाम की जो आप यात्रा करो तो बद्रीनाथ है दूसरा वाला भू वैकुंठ। अब तीसरा आवे है नेमिषारण्य में वृक्ष रूप में नारायण है, जो वृक्ष के नीचे जो प्रसिद्ध वृक्ष है, बटे वृक्ष का रूप में भगवान बटे विराजमान है। और चौथा आवे पुष्कर राज, जो जल का जी का आप दर्शन कर रिया हो और स्वयं नारायण रूप है। नेपाल में सालग्राम रूप में, नेमिषारण्य में वृक्ष रूप में, बद्रीनाथ में बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ जी के रूप में मूर्ति के रूप में, और पुष्कराज में साक्षात नारायण के रूप में वो तीर्थ है। तो जब वो कमल को पुष्प आकर के अट पढ़ो तो अट पढ़वा के बाद में दो जगह वो जंप और लगायो, तो ई वजह से ओ तो हुई जट मैं खड़े हूँ वो ज्येष्ठ पुष्कर, जिन्हें साधारण भाषा में पुष्कराज बोलिया करा। दूसरी जगह जट पढ़ो वो मध्य पुष्कर, तीसरी जगह जटा पढ़ो वो कनिष्ठ पुष्कर। ब्रह्मा जी को पुष्कर ज्येष्ठ पुष्कर, मध्य पुष्कर विष्णु भगवान को, और कनिष्ठ पुष्कर शिव जी को। ये 3 पुष्कर जी अटक कहलाया, जो पुष्कर एक क्षेत्र के बिल्कुल आसपास में ही है। अब ब्रह्मा जी विचार करियो अट एक मैंने बहुत प्रसिद्ध यज्ञ करनो चाहे, तो भी को मुहूर्त निकलियो कार्तिक शुक्ल की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिना को। विश्वकर्मा ने बुलाया, सारा देवता ने बुलाया, अट बहुत बड़ी भव्य यज्ञशाला को निर्माण हुयो, और 33 करोड़ देवी देवता अटे पवन देवता का निमंत्रण पर सब लोग अट आ गया। करकोटक नाग आया, जो दुनिया का सबसे जहरीला नाग है वे सब भी आया। एक क्यों आया, पवन देवता सब जना ने अट निमंत्रण दियो और वे सबका सब अट आ गया। अब जब यज्ञ प्रारंभ हो वालो हो तो ब्रह्मा जी के पास में विश्वकर्मा जी आया और बोलिया कि हे जगत पिता, आप रो यज्ञ मंडप तैयार है और अब आगे की जो क्रियाकलाप है वो आप प्रारंभ करो। तो ब्रह्मा जी सब देवी देवता ने अलग अलग डिपार्टमेंट सौंप दिया, जी को जो काम हो वो कुबेर ने दे दियो, भाई जो भी आवे उसको दान दक्षिणा तेरे को देनी है, अन्नपूर्णा भोजनशाला देख रही है, यान सब जना का डिपार्टमेंट सब देवी देवता ने दे दिया।
और ब्रह्मा जी बोलिया कि मैं अटल जो यज्ञ करूँगा वो यज्ञ मात्र मनुष्य रूप लेकर के करूँगा। सारा देवी देवता ने किया भाई, जिस समय मैं यज्ञ करूँगा, जिस टाइम मैं यज्ञ में बैठा रहूँगा, बी टाइम मैं साधारण मनुष्य रहूँगा। और आप लोग जो भी अटे यज्ञ में सेवा करो हो बा इस चीज ने विशेष रूप से ध्यान करके कर जो। अब इके बाद में कहीं हुआ ब्रह्मा जी क्षोर कर्म करवा ले, क्षोर कर्म करवा करके जब यज्ञ को मुहूर्त आवे तो प्रदक्षिणा करके और अपना माथा पर सोम रस को घड़ो रखा रखे और बी टाइम नारद जी ने कहवे अपना पुत्र ने देवर्षि नारद ने कह, अरे नारद बेटा तू जा और थारी माँ सावित्री ने बुला ले रहा, क्यों अपना धर्म में कोई भी यज्ञ कर्म कांड कुछ भी कह रहा तो अपनी धर्म पत्नी के बिगर आपा कर नहीं सका, तो भाई सावित्री ने बुलवावे। पर नारद जी तो हमेशा देवलीला करें, हमेशा कोई ना कोई कल्याणकारी योजना भी आपकी चलती रहे है, तो आज सोच करके माता जी के ने गया और माता जी ने बोला अरे थे हाल रेडी को नहीं हो यहाँ और तैयार हो आराम से, और बटे तो 33 करोड़ देवता एवडा है और थे यहाँ अकेला आओ तो क्या को लागी चौको कौन लागे लो, तो यान की लीला करके ब्याने भ्रमित कर दियो और कियो भाई आप सारी ऋषि पत्नियाँ के साथ में देव पत्नियाँ लक्ष्मी जी ने ले रहा हो, इंद्राणी ने ले रहा हो, पार्वती माता ने ले रहा हो, सबने साथ ले रहा हो, अकेला कहीं करो बेटे थे शोभा भी नहीं पाओ। तो सावित्री जी भ्रमित होगी। अब अटा आर ब्रह्मा जी ने वापस कहवा के ब्याने तो टाइम लागी, नारद जी है देवर्षि है हमेशा कल्याणकारी की न की योजना चले है, तो ब्रह्मा जी थोड़ा क्रोधित हो है। फिर दूसरा पुत्र ने पुलस्त मुनि ने ब्याह ने भेजा है कि तू जा और थारी माता ने ले रहा, पर आपा जाना सा अपनी माँ बहना को मेकअप क्या चले है, तो वो मेकअप तो टाइम बहुत लेवे। अबे सावित्री माता ने बहुत समय लगे, वापस आकर के पुलिस मुनि भी किया कि भाई उनको तो समय लगेगा। अब ब्रह्मा जी बोलिया कि अगर ये मुहूर्त ने टाल दियो तो फिर यान को मुहूर्त वापस नहीं आवे लो, यान का योग वापस नहीं बनेला। तो भाई इंद्र भगवान ने कहवा देवराज इंद्र ने कि भाई इंद्र तू जा कर के की व्यवस्था कर। अब इंद्र काई करे है अटे से जा कर के पास में एक ग्वालिन ने ले रहा है, आपने जो गायें चरावे गौ का दूध वगैरह बेचे भी ने लड़की भी कन्या ने ले रहा है, भी कन्या ने लेकर के जब आवे तो भी ने भी साधारण योनि में से बिना देव योनि में क्या ले रहा है, तो एक वास्ते है बिना गाय का मुंह में से डाल करके गाय की योनि में से निकाला जावे 3 बार। आज जो प्रक्रिया हो नहीं ई का पश्चात भी कन्या को नाम गायत्री हो जावे, क्योंकि गाय का मुंह गौ माता का मुंह में से डाल करके बिना योनि में से 3 बार निकालो तो भी को नामकरण हो जावे गायत्री और बाद देव योनि में आ जावे। तत्पश्चात ब्राह्मण लोग ब्रह्मा जी को भी गायत्री से विवाह करा देवे और तत्पश्चात यज्ञ प्रारंभ होवे। अब जब यज्ञ प्रारंभ होवे नहीं तो थोड़ी देर बाद में घंटा दो घंटा बाद में फिल्म में एंट्री होवे सावित्री माता की, तो सावित्री माता आते ही देखता ही क्रोधित हो जावे तो महाराज जगह पर है आज दूसरी महिला क्या बेटी है, ये तो मेरा अधिकार है और मारी जगह पर दूसरी बेटी तो भाई गुस्सा आनो क्रोध आनो वाजिब है। तो अब आव देखा न ताव ब्रह्मा जी ने श्राप देवे। अब सुन जो थे ध्यान से क्यों ब्रह्मा जी को अटई पूजन होवे, आज सबसे खास सुनवा लायक बात है। ब्रह्मा जी ने बा श्राप देवे हे ब्रह्मा थारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है कि ये बुढ़ापा में आकर के और सफेदी आ गई और थे अब आ सोच रही हो भाई था को तीर्थ बनाऊँ तो मारो थाने श्राप है पूरा हिंदुस्तान में था को तीर्थ ओई रेवे लो, और अट आया से ही सब ने अट दर्शन कराया से ही अट स्नान कराया से ही ब्याने पुण्य मिले लो ब्रह्मा थारी पूजा को, नहीं तो और कटे नहीं। आप भारत में ही नहीं विश्व में ब्रह्मांड में कटी भी चले जाओ आप जी को भी पूजन करो, चाहे भगवान राम को करो, विष्णु को करो, भोलेनाथ को करो, हनुमान जी को करो, माता जी को करो, जी भी देवी देवता को करो, आप जटे भी करो तो आपका पुण्य की वृद्धि होया करे। पर अगर आप ब्रह्मा जी को कटे भी करो लाने तो बी को फल आपने नहीं मिले लो, बी को फल आपने पुष्कर जी आया से ही मिले लो। पुष्करारण्य क्षेत्र में आने से ही ब्रह्मा जी के पूजन का अर्चन का दर्शन का फल मिलता है, और इस तीर्थ की ऐसी भारी महिमा है कि अटे तो दर्शन करवा से ही था का सारा पाप धुल जावे, ऐसो है वो भारी तीर्थ। अब यान को श्राप दे करके
और बा लारा जो आपने सावित्री जी को पहाड़ दिख रही है, इन्हें पौराणिक एक नाम ही है, को है रत्नाचल। ये रत्नाचल पर्वत पर जाकर के भी माता जी अंतर ध्यान हो जावे और बीकी याद में ही वो मंदिर बनेड़ो है। सौभाग्य प्राप्ति के हिसाब से जो माँ बहना आवे ब्याने सौभाग्य प्राप्ति के लिए बटे दर्शन के लिए बहुत पुण्य है, और बटी पुत्र की कामना से अगर आप फल लेकर के जाओ और बटे चढ़ाओ तो आपकी पुत्र की कामना भी पूरी होया करें। आ तो ये बटे की कहानी। अब जब यज्ञ चाला नहीं तो भी मैं कई लीला हो, यज्ञ चालता चालता शिव जी का मन में आवे है तो शिव जी एक अटपटो रूप बना करके आवे, एक बाबा जी बन रहा है अटपटा रूप, हाथ में खप्पर लेकर के आवे। अब जब वो खप्पर ले रहा है नहीं तो भाई यज्ञशाला तो पवित्र कर्म है, भी मैं एक खप्पर वगैरह चीज़ें अलाउ नहीं होया करें। तो भाई जानी एंट्री करवा लागे तो एक कोई यज्ञ कर्मी कोई एक ब्राह्मण ब्याने टोक देवे, कहे बाबा क्या कर रहा है, कहाँ अंदर आ रहा है तू, और ये यज्ञ कर्म में ये ऐसी तरह की खोपड़ी लेकर के अंदर आना अलाउ नहीं है। आ यान की बोला तो वे शिवजी तो रूप अलग दरोड़ा लीला करवाया, तो वे बा खोपड़ी ने भी यज्ञ मंडप के बाहर रख कर के और घाट में स्नान करवा कर दी जावे। तो मैं तो अटे यज्ञ देखवा आयो, आज सोची ब्रह्मा जी को अग्निष्टोम यज्ञ हो रही है, ये यज्ञ का दर्शन करवा आयो और थे लोग यान की बात करो, मैं स्नान करवा जाऊँ। स्नान करवा जावे तो ब्राह्मण कहीं करे एक लकड़ी का डंडा हूँ भी खोपड़ी ने बारह पटक देवे, वह पटकता ही कहीं हुए वो पूरा का पूरा यज्ञ मंडप में खोपड़े खोपड़े हो जावे, तो सब लोग घबरा जावे। फिर ब्रह्मा जी थोड़ा ध्यान करे कि भाई आ कहीं लीला हुई है अटे, तो बयान मालूम चले है कि आज सारी लीला महादेव की हुई है, भोलेनाथ की हुई है, मृत्युंजय महादेव की हुई है। तो वे ब्याह की स्तुति करें, स्तुति करवा पर महादेव प्रसन्न होवे और महादेव कहवे है कि ब्रह्मा जी पूछे पहली कर बाबा वो कहीं लीला कर रिया होते ठाको घर को काम है रटी ड्रामो। तो महादेव जी कहे भाई ब्रह्मा जी ये यज्ञ में मारो तो थे कोई स्थान बनाया नहीं उचित, मारो स्थान भी थाने बनाना चाहे। तो ब्रह्मा जी कहे देखो प्रभु ऐसा है यज्ञ कार्य सात्विक कर्म होया करे और हड्डी जो आप कपाल ले रहे हो असात्विक चीज़ें हैं, तो ई यज्ञ में तो आपकी इको काम नहीं हो सके, पर मैं आपने वचन देऊँ कि जो भी यज्ञ हो भी मैं आपको स्थान जरूर बना लो। तो आप जो भी यज्ञ करा हाँ कोई बड़ो कार्य करा तो भी मैं एक मिट्टी को बड़ो कुंडो टाइप को बनावा हाँ, और भी मैं शिव जी की प्रतिष्ठा भी करा हाँ, शिव जी को पूजन भी होया करे, जब जार शिव जी प्रसन्न होया। और बीच समय से ही क्यों बी टाइम अटपटो रूप बना रहा, बहुत ही स्ट्रेंज जी ने कहवा आपा, तो बीच समय से अटा पुष्कर में अटमटेश्वर महादेव की स्थापना हुई, वो मंदिर भी अटा बहुत देखभाल लायक है। आप पुष्कर आओ तो भी मंदिर का दर्शन अवश्य कर जो। अब अगली बार हाँ बात बताऊँ आपने, सावित्री जी जो श्राप देवे ब्रह्मा जी ने भी देवे, विष्णु भगवान ने भी देवे कि हे विष्णु आप भी इस यज्ञ कर्म के साक्षी हो, थे भी कांड में लिप्त हो, तो थाने भी श्राप वो है कहते अगला अवतार में वनमन तक भटकोला, तो वो श्राप की निवृत्ति हो की राम अवतार में जद वे जानकी माता जी के लिए चारुमेर वन में भटकिया करे। इंद्र ने श्राप दियो भाई तू हर युद्ध हारे लो, ब्राह्मणा ने मैं दक्षिणा का लोभ में वो विवाह करवा दियो जानबूझ करके भी, तो इलिए ब्राह्मणा ने की दियो थे दरिद्री बनोड़ा रेवला, इलिए चाहे मैं ब्राह्मण लोग चाहे मैं करोड़पति हो जावा चाहे अरबपति हो जावा चाहे वहाँ कितनी फैक्ट्रियाँ चाले, माँ को हाथ हमेशा यान रेवे और दानदाता को हाथ हमेशा यान रिया करे। आप यहाँ की कथा है यान का श्राप सबने देख कर के सावित्री माता बटे सामने रत्नाचल पर चले जावे, यज्ञ चल रहे हुए यज्ञ में एक लीला और हुआ बात सुनो आपने, अटे की बहुत सारी कथा है पर मैं आपने कम से कम बताऊँ, फिर भी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्हें देख जो जरूर पूरा। यज्ञ में ब्रह्मा जी को पुत्र पोतो सनातन को लड़को एक सांप लेकर के जड़ में से और वो यज्ञ मंडप में डाल देवे, तो जब वो यज्ञ मंडप में डाल देवे नहीं तो भाई सांप तो सांप है बिना देख देख करके बटे यज्ञ में जितना भी होता हा वे सब डरवा लाग गया, वो सांप जाकर के भृगु जी के गड़ा में लिपट गयो। वो तो भृगु को जी का पुत्र जब देखा तो ब्याने जब मालूम चली और ड्रामो आप अजमाश जी कौन की करोड़ी है, तो भाई श्राप दे देवे ब्रह्मा जी का पोता ने,
तू ओशो गंदो कर्म करे है, तू जा और सांप की श्रेणी में बन जा। फिर वो खूब माफिया भी मांगे और इतनी देर में वो जो सांप हो नहीं वो तो पाछो जड़ में चले जावे। फिर वो माफ़ी मांगवा आवे भृगु ऋषि कने, कहे भृगु ऋषि मारे से गलती हो गई है, मैं मारो अपराध बोध हो गया है, मैं प्रायश्चित करवाने तैयार हूँ, मैंने क्षमा करो और मैंने ई योनि में से बाहर निकालो। तो भृगु ऋषि ब्याह का पुत्र ने कहे है प्रतु ने कि प्रतु इसको क्षमा कर दे, पर वो के वो तो अगर सूरज ठंडा होवे चांद गर्म हो तो मारो श्राप फेल होवे, इन्हें तो हवा योनि भोगनी पड़ी। तो जब ब्रह्मा जी ने मालूम चले सारी लीला, तो ब्रह्मा जी के एक बेटा कोई बात नहीं, मैं काल ही आज सोची ही कि सर्पा को नव कुल की रचना करूं, तो शायद बा रचना यान हो वाली ही, कोई बात नहीं। तो वो सर्प के अब मैं कट जा रही हूँ, तो अटे जो यज्ञाचल पर्वत है जिना आज की भाषा में नागपाड़ किया करा अरावली पर्वतमाला को, बट एक नागकुंड है, वी नागकुंड में ब्रह्मा जी किया तू जाकर के भी मैं विराजमान हो, थारो वो नागकुंड के नाम से प्रसिद्ध हो वेलो। अब जो बाकी का नाग भी आयोडा नहीं, कर्कोटक तक्षक कंबल वृकोदर वासुकी और शेषनाग, ये सारा का सारा नाग भी ब्रह्मा जी ने केवे है, हे ब्रह्मा जी मैं भी था कहिया कि मैं आया तो मैं कटे जा रहे वहाँ। तो ब्रह्मा जी ब्याह ने केवे का आप सब लोगों को निवास भी नागकुंड में ही रेवे लो, तो पुष्कर का एक क्षेत्र में संसार का ब्रह्मांड का जो सबसे जहरीला नाग है वे सारा नाग भी कुंड में रिया करें, आप पुष्कर आओ तो भी नागकुंड का भी दर्शन जरूर कर जो। भी नागकुंड पर बट पांच कुंड और बनेड़ा है, जब पांडव पांचू पांडव पुष्कर जी आया तो बेटा ब्याह का पांच कुंड बनाया। और भी नागकुंड को एक महत्व और आपने बताऊँ, कोई माता ने कोई महिला ने अगर संतान नहीं हुई हो तो बी जगह जाकर के नाग पंचमी पर अगर वह फल के साथ में जाकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में बटे स्नान करे और बटे अगर प्रार्थना करे तो बिना 101% संतान की प्राप्ति होया करे। और पुष्कर को पंचकुंड के नाम से प्रसिद्ध है, आप बटे जरूर जाइजो दर्शन करवा के थी। अब मैं कथा को प्रणाम करता हुआ आगे वाली कथा में चला। जब एकादशी से पूर्णिमा पर्यंत यज्ञ अटे को पूर्ण होवे तो गायत्री माता अटे यान को एक वरदान देवे कि अटे जो भी पूर्णिमा ना दिन आवे लो पुष्कर स्नान करे लो बिना कोटि कोटि गुणा फल प्राप्त होवे लो। तो इली अटे पूर्णिमा को तो पूरी 12 महीना की जो पूर्णिमा है अटे स्नान करवा को बहुत महत्व है, और कई लोग अटे 12 माशा का स्नान भी करे करे है, तो वो भी आप अटे कति प्लानिंग कर सको। यज्ञ की समाप्ति के बाद में इस जल की इतनी महिमा बढ़ जावे का अटे जो भी आवे स्नान करवा चाहे वो कितना ही बुरा कर्म करे हो वो अटा आता है कि आई एम गोइंग टू वैकुंठ, कहीं के भाई आई एम गोइंग टू वैकुंठ, और वे सीधा डायरेक्ट वैकुंठ जाता, पर ई कर्म से कहीं हो बट कि स्वर्ग की सारी व्यवस्था गड़बड़ होबा लग जावे। तो यमराज और बाकी का देवता वापस ब्रह्मा जी के कहना आवे और के हे ब्रह्मा जी महाराज आप इशो किशो बाहरी तीर्थ बना दिया हो, कह लोग जप तप करवा भजन करवा सात्विक कर्म करवा सब भूल गया और सीधा पुष्कर जी में आवे स्नान करे और डायरेक्ट बाईपास सर्जरी करा ले वैकुंठ की, तो सारी व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, माँ को देवताओं को भाग माना नहीं मिल रही है, लोग तर्पण करवा भूल गया है। तो ब्रह्मा जी के भाई अब मैं काय करूँ, और मारो तीर्थ तो जो बनाया इन्हें तो मैं इको निष्फल तो नहीं कर सकूँ, पर मैं एक बात बोला हूँ, कार्तिक 365 दिना में से केवल 5 दिन बे 5 दिन है ए वाला कार्तिक शुक्ल की एकादशी से पूर्णिमा तक ये 5 दिन तक पुष्कर राज महाराज अपनी समस्त बे शक्तियाँ के साथ में जो सतयुग में ही बे शक्तियाँ के साथ में अटे विराजमान रिया करें, और बाकी का जो 360 दिन है नी बीटेम पूजन के लिए ओम स्वच्छम चंद्रावदातम करिकरम कर क्षोभ संजात फेनाम ब्रह्मोदगीत प्रशस्ते व्रत नियमरते सेवितं विप्रमुख्यै ओंकारालंकृतेन त्रिभुवनगरणा ब्रह्मणा दृष्टिपोतं संभोगा भोगरम्यं जलम अशुभहरं श्री पौष्करं मां पुनातु, ओ वालो मंत्र और आपोहिष्ठा मयो भवस्थान ऊर्जे दधातन महिरणाय चक्षसे जो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हन उशतिरिव मातर तस्मा अरंगमावभूज सक्षाय जिन्वत आपो जन यथाचन
और एक माला या पांच बार कम से कम ओम नमो नारायणाय नमः ई मंत्र को जाप करया से भी पुष्कराज की शक्ति आटा आपका पूजन के लिए आवे है और बिक बाद स्नान पूजन करो तो आपने वो फल मिला करे। तो ये पांच दिना में वे सारा का सारा 33 करोड़ देवी देवता अमलात्मा महात्मा ऋषि मुनिगण गंधर्व यक्ष किन्नर गंधर्व सब लोग अटा आकर के अपनी समस्त शक्तियों के साथ अटे पांच दिन विराजमान हो। ये पांच दिन में अटा आवो अटे को एक माहौल अलग ही हो जावे, एक आध्यात्मिक ऊर्जा बयान 365 दिन अटे ताकतवर है। पर ये पांच दिन तो मैं आपने कहीं बताऊँ मैं अटे रेवाड़ा हाँ और आप भी अटा आया हो तो अटे को आप अनुभव लेवला और या लिया होला कि अटे जो ये पांच दिन में जो शक्तियाँ जो अटे वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा जो प्रभावित होवे नी बा अद्भुत होवे। अटा आबो दर्शन करबो स्नान करबो तर्पण करनो भजन करनो दान करनो ये सब कोटि गुणा फल दिया करे। ये पांच दिन विशेष बयान आप कभी भी आ सको तो आ अटक की कथा है। और महारा मंदिर से जो पुष्कर का प्रधान वराह घाट पर है बटे से पुष्कराज की आरती रोजाना होवे शाम का और ये पांच दिन पुष्कराज की महाआरती भी मैं लोग कराया करा जो बहुत दर्शनीय है। आप लोग कभी भी आ सको और भी आरती का दर्शन कर सको। आपको नाम आपको गोत्र वगैरह सब मैंने आप कमेंट बॉक्स में लिख सको आपके नाम से भी पुष्कराज की आरती और महाआरती हो सके। अब बहुत अद्भुत होया करे और 12 महीना आप जब भी मारो मिलवो चाहो पुष्कर आया पर तो पुष्कर का प्रधान वराह घाट पर माँ को मंदिर है रघुनाथ जी महाराज को भी मंदिर पर ही मैं बिराजू हूँ। आप जब भी पधारो आपको हार्दिक स्वागत है आपको हार्दिक अभिनंदन है। जरूर जरूर पधार जो और आप कथा अच्छी लगी हो तो इन्हें लाइक कर जो शेयर कर जो आपका कमेंट भेज जो आप पुष्कर जी आया कि नहीं आया। और हमारा ये चैनल पर अगर आप पहली बार आया हो तो कृपा करके ये चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हमारे और नई नई अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कथा ज्ञान की लगी जो जरूर मैंने लिख करके बताई जो ठीक सा। जय पुष्कराज की जय श्रीमनारायण राम राम सभी लोगों ने।